गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास फर्स्ट, चैप्टर नंबर 10. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल साउंड, मतलब जानवरों की आवाज़. यहाँ पे कुछ जानवर दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी आवाज़ दी गई है. आप जिसमें उसको मैच करेंगे उसकी नंबरिंग आपको यहाँ पे करनी है. ओके, लाइक फर्स्ट इज अ डॉग्स. यहाँ पे डॉग्स दिए गए हैं. जो कुत्ते होते हैं वो कैसे आवाज़ निकालते हैं? वो बार्क करते हैं, मतलब वो भौंकते हैं. तो आपको फर्स्ट नंबर में क्या लिखना है? सी लिखना है. ओके, सेकेंड इज आउल्स. जो उल्लू होते हैं वो कैसी आवाज़ निकालते हैं? वो आवाज़ निकालते हैं हूट, हूट करके वो आवाज़ निकालते हैं, है ना. तो सेकेंड में आपको कौन सा नंबर लिखना है? आपको बी लिखना है. ओके, सॉरी, इट्स नॉट बी, इट्स डी. आपको डी लिखना है. ऐसे ही देखिए तीसरे में क्या लिखा है? बीज, मतलब मधुमक्खियाँ. मधुमक्खियाँ कैसे बोलती हैं? मधुमक्खियाँ बोलती हैं हम. क्या बोलती हैं? हम बोलती हैं. तो इसीलिए थर्ड में आपको ए लिखना है. फोर्थ में देखिए एलिफेंट्स लिखा है. जो हाथियाँ होते हैं वो कैसे बोलते हैं? हाथियाँ जो होते हैं वो ट्रम्पेट करते हैं. कैसे करते हैं? ट्रम्पेट करते हैं, गरजते हैं. तो इसलिए आपको फोर्थ नंबर पे एफ लिखना है. फिफ्थ में देखिए लिखा है कैट्स, मतलब बिल्लियाँ. बिल्लियाँ कैसी आवाज़ निकालती हैं? बिल्लियाँ म्यू करके आवाज़ निकालती हैं. म्यू म्यू करती हैं ना, इसीलिए क्या है ये? म्यू. तो आपको फिफ्थ नंबर पे क्या लिखना है? बी लिखना है. दिस इज द लास्ट वन ऑफ साउंड्स. स्नेक्स, मतलब जो सांप होते हैं वो कैसे बोलते हैं? वो करते हैं हिश, हिश हिश करते हैं, है ना. तो इसीलिए सिक्स नंबर पे आपको क्या लिखना है? ई लिखना है. ओके, फिर देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कुछ. नीचे यहाँ पे दिया गया है स्टडी एंड मैच द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. कह रहा है इसको पढ़िए और इसको मैच कीजिए. एक आपके लिए ऊपर जैसे किया गया था वैसे यहाँ पे बोड़ा किया गया है, लेकिन हुआ नहीं है. तो चलिए हम इसको करते हैं. इसको स्टडी करना है फिर इसको मैच करना है. तो मैच करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप सामने सामने लिख देंगे वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा. तो फर्स्ट में देखिए यहाँ लिखा है एनिमल्स. एनिमल्स का रिलेशन किससे है? एनिमल्स का रिलेशन जू से है. जू में वो रहते हैं राइट, चिड़ियाघर में रहते हैं. तो इसीलिए जू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? जू, जेड डबल ओ, जू. सेकंड है विंग्स. विंग्स मीन्स पंख. तो पंख किसकी होते हैं? पंख होते हैं बर्ड्स के. तो आपको क्या लिखना है? बी आई आर डी एस, बर्ड्स. थर्ड में है मिल्क. मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काउज से. तो देखिए यहाँ पे काउज कहाँ लिखा हुआ है? ये है काउज लिखा है ना, तो ये आपको लिखना है काउज, मतलब गाँव जो गाय होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है. तो स्पेलिंग क्या है काउ की? सी ओ डब्ल्यू एस, काउज. फोर्थ है वुल, मतलब ऊन. ऊन हमें किससे मिलता है? शीप से मिलता है. देखिए शीप कहाँ लिखा है? ये रहा शीप. शीप की स्पेलिंग क्या होती होती है? एस एच डबल ई पी, शीप. फिफ्थ देखिए क्या है? शेल्स. शेल्स मतलब जो फिश से रिलेटेड है. तो यहाँ क्या होगा? फिश. फिश की स्पेलिंग क्या होती है? एफ आई एस एच, फिश. लास्ट है स्केल. स्केल जो होता है किससे रिलेटेड है? ये है ट्रोटोटाइस से. ट्रोटोटाइस की स्पेलिंग क्या है? टी ओ आर टी ओ आई एस ई, ट्रोटोटाइस. ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच.